नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। जैसा मैंने वादा किया था, फिर आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये वही पीपल का पेड़ है जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। इसके यहाँ पे एक गड्ढा हो गया है, वो काफ़ी बड़ा है, तो उसको भी मैं सेटिंग करूँगा। और कुछ मैंने यहाँ पर नीम के पेड़ लगाए थे जो 2 साल करीब हो गए हैं, तो उनकी भी सेटिंग करूंगा। तो आइए बने रहिए मेरी वीडियो में। आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था ना, ये मेरा पीपल का पेड़ है और यहाँ देखिए गड्ढा हो गया है, छेद है, एक होल है जो किसी चूहे ने किया है, तो मैं उसे थोड़ा कर देता हूँ सही। बहुत अंदर तक जा रहा है इसका, जो मेरा खोदने का है। काफ़ी बड़ा गड्ढा है, नमी पूरी है मिट्टी में। इसकी भी मल्चिंग कर देता हूँ मैं। मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है पेड़ पौधों के साथ। एक तो ये जो है खाद बन जाता है और ऊपर से पेड़ों के वहाँ पे नमी बनी रहती है। ये देखिए हो गया है, अब ये भी आइए दूसरे काम की ओर चलते हैं। ये देखिए ये नीम का पेड़ है और यहाँ पे पीली कलियर बीज के साथ साथ उगी हुई है, तो कोई नहीं, इसका मैं घोंसला बनाता हूँ पहले। और एक साथ दो तीन पेड़ उग जाएं तो कोई उससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है, क्योंकि इनको दूसरे का साथ मिल जाता है तो ये जल्दी से बड़े हो जाते हैं। इसका घोंसला नहीं बनाया था मैंने, लेकिन अब मैं इसका घोंसला बना देता हूँ। काम करने से जो है ना शरीर में गर्मी सी आ जाती है। अब जैसे बरसात आने वाली है तो आप इसके घोंसले को बड़ा भी बना सकते हो कोई, क्योंकि ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। और इसमें जो है मल्चिंग भी कर देता हूँ। मल्चिंग के लिए यहाँ पत्तों की कमी नहीं है, ढेर सारे पत्ते हैं सूखे सूखे। नीम से उठा के डाल दो इसमें, कौन सा आपको एक्स्ट्रा काम करना है। अभी बारिश का मौसम वैसे बना हुआ है, अगर आजकल में बारिश नहीं हुई ना, आज मैं बारिश नहीं हुई तो मैं कल सुबह इनकी जो है पानी देने के लिए आऊँगा इनमें, और अपना वही हिंडन नहर के पास से पानी दूंगा। एक ये काम कर दिया। और देखिए ये एक नीम का पेड़ ये है, इसकी भी मैं घोंसला बना देता हूँ। इसके पास भी पीली कनेर का पेड़ उगा हुआ है। ये मैंने 5 पेड़ लगाए थे नीम के, लेकिन इनमें से हुए 3 ही हैं। पीपल, बरगद, ये हमारे नेटिव ट्री हैं सारे, शीशम। तो मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि इसी तरह के पेड़ मैं लगाऊँ। और इस मानसून में मैंने सोच रखा है कुछ एक्स्ट्रा काम करने का, फलदार वृक्ष लगाने के। मल्चिंग कर देता हूँ, पसीने से तरबतर हो गया हूँ मैं। अब भाई प्राकृतिक से कुछ काम करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ये एक और नीम का पेड़ है, इसकी और कर देता हूँ, फिर आज का काम पूरा हो जाता मेरा। बहुत से पेड़ यहाँ पे श्वेता ही उग गए हैं, जंगलों में बहुत से पेड़ खुद ही उग जाते हैं। ना चाहते हुए ना मेरी वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि अब इसकी मल्चिंग कर दे रहा हूँ। अब मेरा सारा काम हो गया फिनिश। इसमें आज शाम को आके पानी भर दूंगा या कल सुबह सुबह,
और अगर बारिश हो गई तो जैसा आपको मालूम है बारिश का पानी तो अमृत समान होता ही है। तो मैंने अपने नीम की पेड़ों की सेटिंग कर दी है और ये 3-4 ही पेड़ बचे हैं और ये काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इनकी बढ़त नहीं हो रही है। तो शायद अब मैंने जो काम किया है इससे इनकी बढ़त अच्छी हो जाए। और एक काम और मुझे करना है कि जैसे ये नीम का पेड़ जो है ना, कुछ पेड़ मेरे ऐसे हैं कि ये पेड़ बड़े बड़े हो गए तो ये इनको धूप नहीं मिल पाती है। तो अगली वीडियो में आके मैं इनको ऐसी सेटिंग करूँगा, क्योंकि ये जंगली पेड़ हैं आसपास, तो इनको इस तरह से मैं काटूँगा कि इनको भी नुकसान ना हो और मेरे नीम के पेड़ को धूप काफ़ी अच्छी तरह से मिले, तो ये काफ़ी जल्दी बड़ा होगा, क्योंकि धूप पेड़ों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मुझे पूरी आशा है। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और हो सके तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ प्राकृतिक से संबंधित। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई उमंग नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।